वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि इंटरव्यू में जो डॉक्यूमेंट्स भेजना है उनमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है और किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, ये MPPSC के दिन जब आपका इंटरव्यू रहेगा उसी क्रम में आपके जो दस्तावेज हैं किस प्रकार से अरेंज करना है और कौन कौन से दस्तावेज आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है वो आप ध्यान से देख लीजिए कि इसमें एक उपस्थिति पत्रक है वो आपको इसी क्रम में जमाने हैं जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। आपको उपस्थिति पत्रक एक मूल प्रति यानी आपको अपनी हैंड राइटिंग में भर कर ले जाना है, ठीक है। व्यक्तिगत विवरण फॉर्म जो रहेगा आपको एक ले जाना है। अनुप्रमाण फॉर्म जो रहेंगे आपके वो तीन ओरिजिनल आपको ब्लू पेन या ब्लैक पेन से भर के ले जाने हैं। वहीं हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, फिर आपकी ग्रेजुएशन और आपकी जो सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो भी डिग्री है वो। इसके बाद मूल निवासी प्रमाण पत्र है आपकी, यदि कोई कैटेगरी है उससे रिलेटेड 9 पॉइंट है EWS से रिलेटेड और 10 पॉइंट है आपका रोजगार कार्यालय का जो पंजीयन क्रमांक है उससे रिलेटेड। वहीं 11वां पॉइंट है यदि कोई PH कैंडिडेट है उनके लिए और 12 जो है वो आपका फोटोयुक्त परिचय पत्र रहेगा जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते। अब आप यहाँ पर एक जो लाइन है उसे ध्यान से देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है सभी आवेदकों को जो है दस्तावेज दिए गए हैं 4 से 12 नंबर के जो क्रमांक दिए गए हैं उनमें क्या लिखना है तो उसको आप देख लीजिए। उसमें लिखा हुआ है उक्त दस्तावेज सहायक यंत्री सिविल 2020 के पद हेतु प्रस्तुत, ठीक है। अब आपकी परीक्षा 2021 के लिए है तो 2021 लिख देना, 20 की जगह 2021 लिख देना है। नीचे आपको क्या कर देना है, साइन कर देना है। ये आपका सेल्फ अटेस्टेड का एक फॉर्मेट है। ऐसा ही आपको सभी डॉक्यूमेंट्स में करना है जो नंबर 4 से 12 हैं। तो 4 से 12 कौन कौन से, आपका ये वाले डॉक्यूमेंट जिसमें आप उपस्थिति पत्रक है, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म है, अनुप्रमाण फॉर्म है, इनको अटेस्टेड नहीं करना है, इन पर कुछ नहीं लिखना है। जहाँ पर साइन की जगह है वहीं पर साइन करना है, फ़ोटो से तो उस पर क्रॉस साइन कर देना है ना। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि डेफ फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है वो बता दिया है। और डेफ फॉर्म में हो सके तो अलग अलग फ़ोटो लगाइए फोटोस्कॉपीज पर, उनको क्रॉस साइन कर दीजिए। साइन अलग से करना है, पीछे भी साइन करने की जगह है उसको भी अलग से साइन करना है, ठीक है। अनुप्रमाण फॉर्म की फोटोकॉपी नहीं चलेगी, वो ओरिजिनल भरना है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप MPPSC की साइट से डाउनलोड कर रहे हैं, चाहे वह उपस्थिति पत्रक है, चयन से विवर्जित है, शासकीय सेवा है, अनुप्रमाणन है, डैफ है या फिर कोर्ट केस वाला, उनमें आपको क्या है सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है। सिर्फ जो आप फोटोकॉपी लगाएंगे आपके ग्रेजुएशन की, 10th की 12th की, कोई सर्टिफिकेट, रेजिग्नेशन, NOC उसको कर देना है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं रहनी चाहिए। तो दोस्तों, और कोई कन्फ्यूजन हो तो बेहिचक आप मुझे DM करते हैं तो कर दीजिए, ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।